सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम। साथियों, एक आवश्यक सूचना आप सभी साथियों को देनी है। 19 जून यानी के परसों समय सुबह 11 बजे भीम आर्मी भारत एकता मिशन के संस्थापक आदरणीय एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी बेल्डा प्रकरण में पीड़ित परिवार से मुलाकात करने के लिए आ रहे हैं। उसके बाद जिले के आला अधिकारियों से मुलाकात की जाएगी। आप सभी साथियों तक ये सूचना पहुंचानी थी। परसों 19 जून समय सुबह 11 बजे बेल्डे में आदरणीय एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी पहुंचेंगे। इस वीडियो के माध्यम से प्रशासन से भी ये कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से एक लिस्ट प्रशासन ने लगभग 80 से 82 बच्चों की ओर निकाली है, जिसमें संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज प्रशासन की तरफ से किया गया है, बलवे में मुकदमा दर्ज किया गया है, लूट की धाराएं लगाई गई हैं, उस लिस्ट में लगभग क्योंकि सभी परिवारों से मेरी बात हुई है, लगभग 46 बच्चे नाबालिग हैं जिनका इस घटना से कोई संबंध नहीं है, जो इस घटना में मौजूद भी नहीं थे। प्रशासन जगह जगह जाकर भीम आर्मी भारत एकता मिशन के कार्यकर्ताओं को टारगेट कर रहा है और उसमें अन्य संगठन उनका साथ दे रहे हैं, जिस प्रकार से आरएसएस, बजरंग दल, हिंदू वाहिनी के लोग गांव-गांव में ये पता कर रहे हैं कि भीम आर्मी के कितने कार्यकर्ता यहां इस गांव में काम करते हैं। तो प्रशासन इस प्रकार के कार्य ना करे, बेवजह किसी को परेशान करना ठीक नहीं है। और आप सभी साथियों तक जो सूचना मुझे देनी थी वो सूचना मैं आपको दे चुका हूं कि 19 तारीख को आदरणीय एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी पीड़ित परिवार से बेल्डा में मुलाकात करने के लिए पहुंचेंगे और लगातार सामाजिक संगठन जितनी सक्रियता से काम कर रहे हैं, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। लीगल सेल के जितने भी हमारे एडवोकेट हैं जिन्होंने मंगलोर प्रकरण में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था और समाज के बच्चों को बचाने का काम किया था, इसी प्रकार से लीगल सेल के सभी साथी इस प्रकरण में अपनी जो भूमिका निभा रहे हैं वो सराहनीय है। आप सभी साथी को मुझे जो सूचना मेरे द्वारा दी गई है वो सूचना आगे तक पहुंचाने का काम करें। 19 तारीख में पहुंच रहे हैं एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी। बेल्डा में एक दुखद घटना हुई, समाज का एक बच्चा समाज के बीच से चला गया, जिसमें समाज के लोगों के द्वारा मांग की गई कि दोषियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए और अरेस्टिंग होनी चाहिए, क्योंकि परिजनों का जो आरोप था वो हत्या का आरोप था और पुलिस इसमें एक्सीडेंटल केस बता रही है बिना किसी इन्वेस्टिगेशन के। प्रशासन को भी पहले इसमें इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए, उसके बाद में किसी रिजल्ट तक जाना चाहिए, लेकिन पहले ही प्रशासन ने बता दिया कि ये हत्या नहीं एक्सीडेंट हुआ है।